फीड की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के हवाले से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फीड। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए ग्लोइंग मास्क लेकर आई हूँ, जो कि आपके ओपन पोर्स को, अनइवन और डल स्किन को खत्म करके आपकी स्किन को ग्लो देगी। ओपन पोर्स और स्किन का अनइवन होना और डल होना, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि स्किन का ख्याल ना रखना, बदलता मौसम और बहुत ज़्यादा मेकअप करना, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी आज की रेमेडी आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। इससे के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एलोवेरा। हमने एक लीव ले लेना है एलोवेरा का और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और इसमें से जेल निकाल लेनी है। आपने इसको अच्छे से वॉश करके, इसको कट करके इसमें से जेल निकाल लेनी है। मैं आपको जेल निकाल के दिखाती हूँ। हमने एलोवेरा जेल हासिल कर ली है। ये 3 से 4 चम्मच तक हमें एलोवेरा जेल चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए 2 बनानास। हमने इनको क्या करना है, इनको पील ऑफ कर लेना है। दूसरे बनाना का भी हमने छिलका उतार देना है। हमने इसको कैसे यूज करना है, हमने इसके बनाना के अंदर का जो है, ये हमें ये स्किन चाहिए। जितनी हमें 2 बनाना से हासिल हो सकती है, हमें बस वही चाहिए। आपने स्पून की मदद से इसको ऐसे निकाल लेना है। और आपने इसको भी ब्लेंडर में मिक्स कर देना है। हमें 2 टेबलस्पून ही ये चाहिए। और 2 बनाना से ये आपको इजीली मिल जाएगी। आपने इसको भी ब्लेंडर में डाल देना है। अब इसके साथ हमें क्या क्या चाहिए, हमने लेना है चावलों का पानी। आपने चावलों का पानी कैसे निकालना है, आपने चावलों को 3-4 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। उसके बाद आपने उसमें से चावलों को मैश करके उसमें से उसका पानी निकाल लेना है। हमें इस चावलों का पानी चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। हमने इसको ब्लेंड करना है, इसलिए हमने इसको ब्लेंडर में ही डाल रहे हैं। और साथ में हमें चाहिए हनी। हनी हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करना है। हमने इसमें हनी ऐड कर लिया है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हम एक खाली बाउल लेंगे। जितना हमें ये चाहिए, मतलब कि पेस्ट मास्क बनाने के लिए हमें जितना चाहिए, हम इसमें मिलाएंगे। थ्री टेबलस्पून हम इसमें मिला लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके साथ हमें क्या चाहिए, इसके साथ हमें चाहिए माल्टे के छिलकों का पाउडर। ये भी आपको पंसारी की दुकान से इजीली हासिल हो जाएगा। अब हमने इसको इतना हमने इसमें ऐड करना है, इतना पाउडर ऐड करना है जितना कि हमारा मास्क रेडी हो जाए। अगर आपको लगे कि और मिक्स करना है, और ऐड करना है, तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। हमारा ये पैक रेडी हो चुका है।
आपने इसको इतना बनाना है कि इजीली हमारे फेस पे अप्लाई हो जाए। इसको आपने यूज कैसे करना है, आपने फेस वॉश करके, अच्छे से फेस को वॉश करके आपने इसको अपने फेस पर लगाना है, पूरे फेस पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको लगा रहने देना है और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ये फेस पैक आपके फेस पर ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें हनी और एलोवेरा जेल है जो कि बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये थी मेरी आज की रेमेडी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। न्यू वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।